देखिए वाजपेयी जी एक अजीम शख्सियत थे, उनमें वो गुण थे जो मैं नहीं देखता हूँ आजकल किसी में, और इसके गुण को जवाहरलाल ने पहचान लिया था जब इन्हें पहली दफ़ा ये पार्लियामेंट में गए और उन्होंने वहाँ तकरीर की, और तकरीर के बाद जब जवाहरलाल जी इनके पास गए, कहा अटल तुम एक दिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनोगे। ये इंसान आरएसएस से था, जनसंघ से था, मगर दिल इसका उनके बिल्कुल अपोजिट था। वो हिंदुस्तान को चाहते थे कि ये सबका वतन बने, जो यहाँ रहने वाले हैं, जो जबान जो भी जबान बोलने वाले हैं, किसी भी प्रांत से हैं, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का एक नया बाब शुरू हो। अफसोस इस बात का है कि वो देख नहीं सके। उम्मीद ये करूँगा कि आजकल की हुकूमत यहाँ और इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में उस चीज़ को आगे ले जाएगी। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमें जो है वाजपेयी जी को होगी कि अगर इन मुल्कों में अमन आया और साख फिर से मजबूत हो जाए और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का दौर दौरा शुरू हो जाए, इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। शुक्रिया साहब ने सब कुछ वो आपको वापस नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं।